एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखा सुबह कैसे फटाफट हम लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं, क्योंकि रहता है एकदम रश आर, अंगद की बैक टू बैक मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे पहले मीटिंग फुल ऑन स्टार्ट हो जाए जहां उसको बातें करनी है, हम लोग कोशिश करते हैं कि नाश्ते का काम हो जाए। तो मैंने पनीर की स्टफिंग बना दी, अंगद ने उसको बेल दिया, अभी दोनों पराठे बेल के वो चला गया अपना मीटिंग करने के लिए, और मैं इसे सेक लूंगी, साथ में चाय बना लूंगी, तो काम दोनों का आसान हो जाएगा। और जैसे कि डिश वॉशर है तो मैं झुक नहीं पाती, तो ऊपर वाला रो जो है वो मैं खाली कर लेती हूँ, नीचे वाला रो जो फटाफट है वो अंगद खाली कर लेता है, तो हमारा सुबह का काम हो जाता है। सुबह ही रहता है काम। अब देखिए उसके बाद तो क्या है, फ्री है, लंच तो बनाना है नहीं, तो अभी से लेके अब शाम तक फ्री। अब सीधा शाम को जो चाय अगर नाश्ता कुछ बनना है तो वो भी मिल बांट के कर लेते हैं। चाय मैं बना रही हूँ, ड्यूटी चाय की मेरी पड़ रही है जब से मैं प्रेगनेंट हुई हूँ, क्योंकि उसके हाथ की चाय मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो चाय मैं बनाऊंगी शाम का। फिर रात को डिनर में बनाना होता है रोटी सिर्फ, तो रोटी भी हम लोग मिल बांट के बना लेते हैं, या अगर अंगद की मीटिंग है तो मैं अकेले भी बना लेती हूँ, उसमें क्या है। तो इस तरीके से ही काम हो जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि वाह कितना अच्छा है अंगद, इतने अच्छे हैं आप काम कर लेते हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बेसिक है खुद के घर में काम करने को, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते हैं ना हमारे कंट्री में, तो बड़ी बात लगती है। पर अगर एक्चुअली सोचे तो बेसिक है खुद के घर में खुद के ही खाने के लिए, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर ले तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी बड़ी बात है क्योंकि सब लोग नहीं करते। आई अंडरस्टैंड दैट। आज ना हाउस हेल्पर आई नहीं, मैं उनका वेट करती रही, अब आएंगी, पर जब टाइम निकल गया तो मैं समझ गई कि यार छुट्टी मार दिया उन्होंने। तो इससे पहले कुक आए, फटाफट चली मैं शावर लेती हूँ, मुझे बालों में लगाना है शैम्पू, तो सोचा आपसे शेयर करूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करने जा रही हूँ। तो आज मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी ना अपने बालों में, वो मेरे बालों में वैसा शाइन लाएगा जैसे सलौ से आप निकलते हो ना उसके बाद शाइन आता है, 23 times ज्यादा शाइन आएगा अगर आप यूज करते हो बी ब्लेंड का ये सलौ लाइक हेयर इंटेंस शाइन शैम्पू और इंटेंस शाइन कंडीशनर। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज करके मुझे बताना। बी ब्लेंड के प्रोडक्ट्स मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है इन शैम्पू और कंडीशनर को यूज करने का, वो चलिए आपको बताती हूँ। और सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर ही नहीं है, हफ्ते में एक बार मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहते हो कि बाल आपके अच्छे रहे शाइनी रहे तो आप हेयर मास्क भी जरूर यूज करिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है बी ब्लेंड का इंटेंस शाइन हेयर मास्क भी, तो इसको आपको हफ्ते में एक बार यूज करना है। बी ब्लेंड एक प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड है which is synonymous with cutting edge hair styling and hair care. बी ब्लेंड का ये इंटेंस शाइन रेंज बना है यूनिक शाइन फार्मूला से और एक्टिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन से, जैसे कि राइस प्रोटीन एंड सिल्क प्रोटीन। ये आपके बालों को बनाता है 23 times शाइनियर। शैम्पू से आपको जेंटली अपने स्कैल्प पे पहले मसाज कर लेना है, फिर उसे वॉश कर लीजिए और उसके बाद अप्लाई करिए बी ब्लेंड का इंटेंस शाइन कंडीशनर। 3 minutes के लिए कंडीशनर को बालों पे छोड़ दीजिए और फिर से हेयर वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए मेरे बाल पहले कैसे लग रहे थे और अब ये शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद कितना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। बी ब्लेंड का ये इंटेंस शाइन रेंज है SLS एंड पैराबिन फ्री, तो आपके बालों पे इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। वीकली एक बार आप बी ब्लेंड का ये इंटेंस हेयर मास्क भी ज़रूर अप्लाई करिए। शैम्पू करने के बाद आप इस हेयर मास्क को लगा लीजिए अपने बालों पे, 5 to 10 minutes के लिए रहने दीजिए और फिर हेयर वॉश कर लीजिए। ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ करता है और साथ ही साथ में शाइन भी लाता है। तो ये देखिए मेरे बाल कितना ज्यादा शाइन कर रहे हैं, आप इसको ट्राई करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, रिजल्ट्स अमेजिंग है। तो अगर आपको लेना होगा ये प्रोडक्ट तो मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ये लेते हैं बी ब्लेंड की वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे बी ब्लेंड के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं और इनकी एक इनिशिएटिव है विच इज वर्थ मेंशनिंग। तो जब भी आप बी ब्लेंड का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमन दैट दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लेंड शाइन एकेडमी। और ये मिशन पे है कि इन्हें 10,000 वुमन को अक्रॉस नेशन एम्पावर करना है, तो बड़ा अच्छा कॉज है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो एक बार लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। ये जितने भी किचन टॉवल्स होते हैं ना इनको मैं रात को वॉश कर देती हूँ ताकि सुबह जब उठूँ तो ये साफ सुथरा रहे और काम में आ जाए, तो हमेशा रात को एक बारी वॉश कर लिया। और इसको मैं ड्रायर में ऑब्वियसली नहीं ड्राई करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ये अपने आप हवा में सूख जाते हैं। ये वाला बेडशीट बिछाने जा रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको, देखिए 2-3 times वॉश भी कर लिया है, कलर बिल्कुल वैसा है। मैंने आपको ये अमेजॉन बेडशीट हॉल वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूंगी, बहुत सुंदर बेडशीट है, वैसे भी फ्लावर प्रिंट ना अच्छा लगता है। तो इससे देखिए लगभग मैच करता हुआ मेरे पास एक दोहर भी है जो कि इससे भी मैच कर रहा है, और जो बेडशीट बिछी हुई है आप देखोगे तो इससे भी काफी मैच कर रहा है। देखिए इसमें भी ये कलर है, इसमें भी ये कलर है, और ये इतना सुंदर दोहर है ना, अभी समर के लिए परफेक्ट है।
गई बेडशीट और देखिए दो हर इससे मैचिंग मैचिंग है, मैंने कहा था ना। तो आज क्या करूंगी ना, आज कंफर्टर को वॉश कर दूंगी, अच्छा खासा धूप है तो इसलिए दो हर को ऐसे करके बिछा दिया। पर कितना सुंदर लग रहा है ना, मास्टर बेडरूम में फ्लोरल पैटर्न ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो एक या दो कपड़े लेते हैं और एकदम महंगे वाले लेते हैं और पसंद करते हैं कि वार्डरोब में सब कुछ ब्रांड्स में हो, उस टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेरे टाइप के, मुझे उतना शौक नहीं है कि सिर्फ ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, कपड़े महंगे होने चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कपड़े अफोर्डेबल रेंज में लूं और ज्यादा करके लूं, मतलब हर बारी कुछ अच्छा पहनूं, कुछ नया पहनूं। स्पेशली मैंने कहा था ना कि प्रेगनेंसी फेज में और इवन आफ्टर गिविंग बर्थ, वो तो खैर आप आगे देखोगे, कि मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम टिप टॉप लगूं, उससे आपका मूड अच्छा रहता है, अपने आप की केयर करते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। देखिए मैंने फिर से मिंत्रा से एक मंगवाया है, मेरे जो भी कपड़े होंगे ना, मैंने कई बार लोगों को लिंक भी दिया है, उन्होंने देखा होगा कि बहुत ही अफोर्डेबल रहते हैं। कुछ तो आपको 350, 400, 600 और कोई अगर मुझे बहुत पसंद आया तो शायद मैं 800, 900 में दूं, क्योंकि मुझे वैसा सही लगता है और मिल भी जाते हैं। देखिए ये वाला है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी मैंने जस्ट पहन के इसको ट्राई किया है कि कैसा आ रहा है, फिटिंग वगैरह तो अच्छा लग रहा है। वैसे अगर अंदर में ये नहीं होता तो फिर आपको एक स्पेगेटी डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा डिजाइन दिया हुआ है। यहाँ पे ना एक हुक दिया है इन लोगों ने, पर उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप वो हुक लगा भी दोगे ना तो भी यहाँ से शेप ठीक नहीं आएगा, तो मुझे लग रहा है कि उतना अच्छा शेप नहीं है। पर लकीली मुझे फिट आ जा रहा है और अंदर मैंने ये डाला हुआ ही है ना, तो कुछ ऐसा है। कलर मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा ब्राइट सा कलर है एंड पीछे यहाँ पे आप टाई कर लो। तो जो लोग प्रेग्नेंट है अभी और वो लोग कपड़े ढूंढ रहे हैं, मुझे पता है जब भी आप मिंत्रा में मैटरनिटी क्लोथ सर्च करो या कहीं भी करो फॉर दैट मैटर अमेजोन पे भी, तो ऐसे बेकार बेकार कपड़े आते हैं ना, ढीले ढाले से, अजीब से, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो मैं क्या करती हूँ ट्रिक, नॉर्मल कपड़े लेती हूँ, साइज को बस इंक्रीज कर देती हूँ। जैसे मैंने ये वाला XL में मंगाया है, तो इससे क्या होगा, आपको जो मन है आप पहनिए, साइज को बस बड़ा कर लीजिए, तो अच्छा लग रहा है। वैसे कलर वगैरह अच्छा है नहीं इसका। आज देखिए लंच में है कटहल की सब्जी और ये बिल्कुल मटन की तरह स्मेल कर रही है, और मैं ना इस पे सिर्फ राइस खाती हूँ, रोटी नहीं खाती, तो बनवाया है ये और राइस, दाल भी नहीं बनवाई आज। तो उस दिन जो हनी बीन ने बनाया था ना, हाइब जो घर बनाया था यहाँ पे, वो हमने हटवा दिया, तो आए थे सोसाइटी से मेंटेनेंस वाले, उनको आता है तरीका, तो कुछ नहीं करना होता है, उन्होंने डंडे से पहले इसको हिला दिया, सारे उड़ गए, जब उड़ गए तो यहाँ पे छाता होता है ना, वहां पे कुछ स्प्रे था उनके पास, वो स्प्रे डाल दिया उन लोगों ने, तो स्प्रे की वजह से स्मेल से वो लोग वापस नहीं आए, तो सारे जो है वो भाग गए। तो बालकनी फिर से हमारा बिल्कुल बैठने लायक हो चुका है। आपको याद है मैंने कुछ ब्लॉग पहले आपसे शेयर किया था कि इस मंथ जो अंगद मुझे गिफ्ट देने वाला है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही अमेजोन बेबी लिस्ट से जाकर के कुछ सिलेक्ट करेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है। उसमें से ना प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सारे रखे हैं, 30+ आइटम्स रखे हैं, जो मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी, देखेंगे लेना होगा जो भी, तो उसमें से लिया। लेकिन हाँ एक अलग बात यह है कि मैंने सेम प्रोडक्ट के ना दो अलग अलग ब्रांड रखे थे, उसमें से उसने सिलेक्ट करके देख के जो उसको अच्छा लगा है उसमें से एक ब्रांड उसने सिलेक्ट किया, मुझे गिफ्ट कर दिया। और उसे ये नहीं पता है कि मुझे पहले से शक था कि वहीं से आने वाला है, और जो व्लॉग मैंने आपसे शेयर किया था ना कि अंगद जैसे देख रहा है मुझे शक है, वो व्लॉग मैंने उसको देखने ही नहीं दिया। उसने बोला अरे आज का व्लॉग मैंने चेक नहीं किया जब मैंने वो रिलीज किया। मैंने कहा नहीं कुछ खास नहीं, मैं बाद में दिखाऊंगी करके मैंने टाल दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे नहीं देखा होगा, वरना तो वो कुछ और मंगाता। खैर जो भी है, जो चीज मंगाई है वो अच्छी है, मुझे लेनी ही थी, पर अंगद को मैं चिढ़ाने वाली हूँ ये बोल करके कि ये गिफ्ट तो मैं मेरा नहीं हुआ ना, ये गिफ्ट तो बेबी का हुआ, शाम को करेंगे जब वो फ्री होगा। कल उसने मुझे दिया, उस टाइम तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है बहुत अच्छा है थैंक यू, पर आज आप लोग के सामने मैं चिढ़ाऊंगी, देखती हूँ क्या रिएक्शन देता है। खैर क्या है वो आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा है। और इनकेस अगर आपको लेना होगा, आप प्रेग्नेंट हो, प्लान कर रहे हो आगे लेना है, तो आपके काम में तो जरूर आएगा। क्या है देखिए, एनी गेसेस ये क्या है, पता चल गया होगा नहीं। एक्चुअली ये है एक डायपर बैग, तो मतलब हमारे बेबी का पहला प्रॉपर पहला सामान जो है वो आ चुका है, कह सकते हैं बेबी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा बोल सकते हैं। और वो पहला चीज आया डायपर बैग। तो वैसे तो देखिए ये डायपर बैग बेबी के लिए नहीं, पेरेंट के लिए ही होता है, काम तो हमारे ही आने वाला है, पर फिर भी है तो बेबी से जुड़ा हुआ, लेना तो मुझे ये था ही था। तो चलिए अच्छा लग रहा है, सुंदर तो कितना है वो तो आप देख रहे हो,
और कलर में ना एक मैंने ये ब्रांड रखा था, एक और रखा था, दोनों ही ना मैंने एक्चुअली ना न्यूट्रल शेड में रखा था क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ मैं नहीं यूज करूंगी, ये अंगद भी यूज करने वाला है। तो मैंने कलर जो चूज किया था वो ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, मुझे वो पिंक और वो फ्लावर बने हुए, कार्टून बने हुए वो सब नहीं लेने थे क्योंकि ये यूज पेरेंट को करना है तो फिर ये बच्चों की तरह दिखने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, आपको कैरी करना है। तो इसमें ना बहुत सारे जिपर्स दिए हुए हैं जो मुझे चाहिए एक्चुअली। तो देखिए सामने में भी है, तो आपको वाइप्स रखना हो या जो भी सामने रखना जो फटाफट एक्सेसिबल हो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एक मेन दिया हुआ है यहाँ पे, ये है इंसुलेटेड। मैंने दोनों ही जो बैग सेलेक्ट किए थे दोनों में यही था। तो यहाँ पे आप 3 बॉटल्स रख सकते हो और ये जो है वो गर्म रहेगा, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, तो ये इंसुलेटेड है, ये फायदा है। फिर यहाँ पे भी देखिए एक दिया हुआ है, अगेन कुछ आपको रखना हो, क्या रखना है वो तो बाद में जब यूज करूंगी तब पता चलेगा मुझे। उसके बाद आप इसको खोल दो, खोलने के बाद आपको मेन जो है जिपर वो ये रहा। अभी इसमें ना वैसे वाले भी बहुत आते हैं जिसको आप खोलोगे तो पूरा बैग की तरह खुल जाएगा, डफल बैग की तरह, मुझे वो नहीं चाहिए था। वरना ना उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रहेगी, सब कुछ निकालना पड़ेगा, मुझे चाहिए था ऐसा प्रॉपर जो बैग जैसा हो। दूसरी जो चीज़ अच्छी लगी है वो है ये, तो बेबी का जब आप डाइपर चेंज कर रहे हो घर से बाहर तो आप ये बिछा सकते हो और इस पर चेंज कर सकते हो, तो ये भी मुझे अच्छा लगा, हैंडी है काफ़ी ज़्यादा। एक और आता है वैरायटी इसमें जिसमें कि पूरा का पूरा ना ऐसे बन जाता है बेड जैसा। फिर यहाँ पे भी देखिए एक और पॉकेट दिया हुआ है, इसमें भी जो रखना है रखिए, यहाँ पे जिपर तो है ही। फिर यहाँ पे भी एक जिप आ जाता है, अगेन आपको खुद का मोबाइल वगैरह रखना हो तो वो रख लीजिए। साइड में यहाँ पे खुद का बॉटल रखने के भी दिया हुआ है, पानी का बॉटल आप रख सकते हो। और इस साइड में ना टिश्यू पेपर रखने को दिया जो आप इमीडिएट यूज कर सकते हो, या कुछ भी आप रखे हो जो फटाफट निकालना हो ना, तो यहाँ पे भी एक दिया हुआ है। फिर यहाँ पे भी कुछ रखना हो तो आप रख सकते हो। एंड अगर आप पीछे कर दोगे तो पीछे का फायदा ये है, इसके लिए भले आपको थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तो इसमें कुछ ऐसा रखिए जो आपको पता है बार बार आप यूज नहीं करोगे। मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए, मॉल गए आपको चेंज करना पड़ा, जो भी हो तो कपड़े वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्पेस है तो पीछे भी अच्छे से आ जाएगा। कुछ नहीं तो लैपटॉप भी आप रख सकते हो, अगर आपको मान लीजिए अंगद को जरूरत पड़े तो लैपटॉप भी रख सकता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है हमारी नीड के लिए, अंदर कैपेसिटी भी अच्छी है। और हाँ देखिए यहाँ पे भी एक बॉटल रखने को दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक बॉटल रखने को दिया हुआ है, पता नहीं कितने बॉटल की जरूरत पड़ेगी वो तो बाद में पता चलेगा, पर हाँ इतना है। और यहाँ पे भी बॉटल रख सकते हो, मतलब सिर्फ बॉटल नहीं, पाउडर रख दिया, क्रीम रख दिया, रैश क्रीम वगैरह, तो ऐसे है। उसके अलावा एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी थी जो मुझे लगता है बहुत काम में आने वाली है, और वो है ये। तो क्या है ये, तो मान लीजिए कि आपके पास में बच्चे का स्ट्रॉलर है, ठीक है, तो आपको ये टांगने का मन नहीं है, ऑलरेडी आपके पास में हैवी सामान है, स्ट्रॉलर भी आप लेके जा रहे हो, तो आप इस बैग को स्ट्रॉलर पे हैंग कर सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। देखिए ऐसा बेल्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको बेल्ट लगा देना है, एक यहाँ पे लगेगा और दूसरा जो स्ट्रॉलर है ना वहाँ पे लपेट के वापस से इसमें हैंग कर देना है। हेलो जी, फाइनली फ्री हो गए। यस, आपका बहुत देर से इंतजार है, कुछ जनता सवाल जानना चाहती है मेरे साथ साथ। अच्छा, ये जो गिफ्ट दिए हो इस महीना, जो ये जो गिफ्ट चेपे हो इस महीना मुझे, हाँ, जो कि अच्छा है, हाँ जी। ये मेरा गिफ्ट कैसे है पहले ये एक्सप्लेन करिए। कौन यूज करेगा, क्या आने वाला जो मेहमान है वो यूज करेगा? वो तो तुम भी यूज करोगे। नहीं, तुमको गिफ्ट दिया है तो तुम ही यूज करोगी ना। ओ बेटा, मतलब मैं बेबी भी टांगूंगी और वो भी पीछे टांग के घूमूंगी। हाँ? और तुमने कहाँ से इतना अच्छा बैग ढूंढा? ठीक है, ऐसा है तो बैग मैं ले लेता हूँ, तुम बेबी पकड़ के सब जगह पे घूमना। मैं क्या, मैं स्ट्रॉलर पे घुमा लूंगी? हाँ, नो प्रॉब्लम, नहीं लेंगे फिर। बेटा तुम ये गिफ्ट पहले क्यों दिए मुझे बताओ, ये मेरा कैसे हुआ गिफ्ट? ये तो हम लोग दोनों यूज कर रहे हैं। सुविधा के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है, तुम्हारी सुविधा। मुझे एक और गिफ्ट चलेगा लगेगा इस महीना। नहीं, ऐसा गिफ्ट नहीं मुझे लगेगा। एक टाइम पे एक गिफ्ट नहीं, एक और लगेगा। नहीं लग रहा है गिफ्ट। देखा अंगद नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना कि ये वाला गिफ्ट जो है वो भी यूज करने वाला है, तो ये मेरा नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं, उसको ना बहुत सोचने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है गिफ्ट का किया जाए, जबकि मेरा मानना है कि लड़कियों को गिफ्ट करना तो बहुत आसान है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ये बोला है कि महंगा ही कुछ चाहिए, मतलब 2 पैकेट बिंदी पे अगर वो ला के दे दिया ना उस दिन तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे कुछ भी ला सकता है, कपड़े हैं, सैंडल है, पर्स है, थोड़ा बहुत ज्वेलरी है, मेकअप का सामान हो सकता है, होम डेकोर का सामान हो सकता है, किचन का सामान हो सकता है, कितनी सारी चीजें, कुछ नहीं कुछ नहीं तो ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है। पर नहीं, उसको जो टेंशन होती है ना, ये शुरू से ऐसा है, तो मैं उसको शादी से पहले से ही मैंने देख लिया था कि अंगद को थोड़ा सा गिफ्टिंग करने में
प्रॉब्लम होती है। शादी से पहले भी ऐसा नहीं कि मुझे उसने बहुत गिफ्ट किया है, गिन के एक दो चीजें की होंगी, उसमें मुझे लग गया था कि बाप रे ये बेचारा नहीं सोच पाता। और कुछ लड़के होते हैं जो गिफ्ट करने में प्रो होते हैं, मतलब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके जब बॉयफ्रेंड्स थे, शादी से पहले की बात है, वो लोग जो गिफ्ट किया करते थे सोचती थी वाह क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता था कि हर लड़की ना गिफ्ट अच्छा करते होंगे, उनको समझ में आता है। वैसे उस टाइम पे ज्यादातर करके ना लोग आर्चीज गैलरी से टेडी बेयर ग्रीटिंग कार्ड, है ना, एक टाइम था ऐसा कि आर्चीज गैलरी इसके लिए फेमस था। तो मैं सोचती थी कि वाह हर लड़के को गिफ्टिंग तो आता ही होगा, पर नहीं, अंगद को बड़ी दिक्कत हो जाती है। और चलिए इसीलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, मुंह खोल के मांगती रहती हूँ गिफ्ट दे देना दे देना दे देना, क्या देना वो तुम सोच लो। तो चलिए ये जो भी दिया उसने एक्चुअली बहुत अच्छा है, मुझे तो पता ही था अच्छा है, तभी सिलेक्ट किया था। और दूसरा वाला जो मैंने सिलेक्ट किया था ना वो भी अच्छा था, पर ये वाला ज्यादा बेटर है, उसमें एक दो फीचर्स कम थे। वैसे कितना यूज में आता है डायपर बैग, वो तो जब यूज करेंगे तब चलेगा पता कि क्या सच में यूज में आता है, सच में क्या लोग कैरी करते हैं। वैसे मैंने मॉल वगैरह में देखा है कि पेरेंट्स कैरी तो करते हैं, चीजें रहती है उसके अंदर, और फिर कोई भी पर्स कैरी नहीं करता है, अपना सामान भी उसके अंदर ही रखता है। खैर जो भी हो, एनीवेज इसी के साथ चलिए मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।